सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां पीएम पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखे हैं। इसके साथ ही जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1780 करोड़ रुपए लागत की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे और दोपहर 2:45 पर दिल्ली रवाना होंगे। पीएम के स्वागत के लिए काशी के लोग सड़क किनारे मौजूद रहे। इस दौरान जगह जगह शंखनाद और पुष्प वर्षा से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। फरुखाबाद के देवरामपुर में एक वृद्ध महिला के सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि दरवाजा खुला देख पड़ोसियों ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर में वृद्धा के खून से लथपथ लाश पड़ी मिली, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बता दें कि वृद्ध के बेटे ने कुछ दिन पहले ही मकान बनवाया था, वहीं घर में वृद्धा अकेली थी। मृतक वृद्धा, उसका पति और बेटा गाँव में ही झाड़ू पोछे का काम करते हैं। इस मामले में एसपी ने बताया कि घटना के संबंध में कई साक्ष्य मिले हैं। घटना की जांच के लिए एसओजी और थाना पुलिस सहित 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। ये थाना फरुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ये गीतापुरम नई बस्ती है, जहां पर ये रेशमा देवी वाइफ ऑफ कल्लू पाथम, इनकी उम्र करीब 60 से 65 वर्ष के बीच में है। तो ये घर पर अकेली रहती थी और आज करीब 21:56 पर UP 112 पर सूचना दी गई इनके पड़ोसी के द्वारा कि यहाँ पर ये जो इनके घर के अंदर इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर आकर जो सीन ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर किया गया है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी के द्वारा, सीओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो इनके मुँह पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है, जिससे कि उनको चोट कारित की गई है और जिसके कारण प्रतीत होता है उससे कि इनकी मृत्यु हुई है। बाकी पीएम इनका करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी और पैनल के द्वारा, जिससे पता चल सके कि मृत्यु का असली कारण क्या है। और हमारी जो 4 टीमें हैं वो उसको इसमें लगाया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। जो भी तहरीर अभी इनके परिवारजनों से मिलेगी उस पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के विकास नगर में कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें पास के ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। बता दें कि झुलसे हुए लोगों में 3 महिला और 2 नाबालिग शामिल है। वहीं आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में ताज नगरी आगरा की सबसे बड़ी शाही जामा मस्जिद में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शाही जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। वहां वो रोजा इफ्तार के साथ तरावी की नमाज भी अदा करते हैं, जिसको लेकर इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने मस्जिद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। DCP सिटी विकास कुमार का कहना है कि पवित्र नवरात और रमजान के पाक महीने को लेकर आगरा पुलिस सतर्क है, पीस मीटिंग करके लोगों को समझाया गया है। वहीं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस निरंतर पैदल मार्च कर रही है। शांतिपूर्वक तरीके से दोनों फेस्टिवल मनाए जाएंगे। नवरात्र और रमजान दोनों फेस्टिवल जो काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो अभी स्टार्ट हो गए हैं और इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी जगह हम लोग ड्यूटियाँ लगाए हैं और हम लोगों ने एक स्कीम तैयार किया है, जिससे कि जो दोनों धार्मिक स्थलों पर पुलिस ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस गश्त भी लगाई जा रही है, जो पीक टाइम होता है दोनों त्यौहारों के लिए अलग अलग जगहों पर, उस मुताबिक ड्यूटियाँ लगाई गई हैं।
सभी के लिए पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। लोगों के निरंतर संपर्क में हम लोग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों त्यौहार गुजरेगा। प्रयागराज में छात्रा के साथ अश्लीलता करने वाले सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। बता दें कि प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति सहायक अध्यापक ने 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जिसकी सूचना छात्रा ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हमेशा की घटना नहीं है ये। एक दिन मीटिंग में मैं गई थी, मेरे जाने के पश्चात कुछ ऐसी घटना घटी है और जब मुझे संज्ञान में घटना मेरे संज्ञान में आई है तो मैंने इस पे जो है पहले घटना की सत्यता का पता करने का प्रयास किया, उसके बाद अपने विभाग को सूचित कर दिया है। सहायक अध्यापक पर कार्रवाई के लिए, मोहम्मद आदिल सहायक अध्यापक पर कार्रवाई के लिए मैंने अपने विभाग को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दे दिया है। कासगंज में 26 वर्षीय युवक को मगरमच्छ जिंदा निकल गया। बता दें कि युवक गंगा नदी किनारे अपने पशुओं को पानी पिलाने आया था, जिस दौरान उसे मगरमच्छ ने जिंदा निकल लिया। गांव के लोगों ने मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घड़ियाल द्वारा जिंदा निकलने की सूचना पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और वन विभाग को सूचना दे दी गई है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में डीसीपी विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों ने महिला को उसके ड्राइवर के एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाकर उसे मदद करने के बहाने अगवा कर लिया। बाद में गाड़ी में आरोपियों ने महिला के सर पर तमंचा रखकर उसके पैसे और सोने के जेवरात छीन लिए। महिला आरोपियों के चंगुल से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। फरार आरोपी के तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसमें हमने सभी गिरफ्तारियां कर ली हैं। एक जो वांछित है अभी उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया गया जाएगा और इनके कब्जे से हमने एक कार वैगनार, एक तमंचा, एक कारतूस, 3 मोबाइल और 4,000 रुपए बरामद किए हैं। सर, इनकी मंशा क्या थी, रौती मांगने की थी, क्या प्लान था इनका? इन्होंने मोबाइल के माध्यम से इसकी इनकी बेटी से फिरौती की मांग भी की थी और अभी तक के पूछताछ में तथ्य निकल के आया है कि जो मोबाइल लेके गए थे वो इन्होंने फेंक दिया था, लेकिन फेंकने के पूर्व उसका व्हाट्सएप नंबर पे स्टार्ट कर लिया था और उस नंबर से व्हाट्सएप कॉल से फिरौती मांग रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो पुलिस इसमें और भी अग्रिम विवेचना कर रही है और भी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा बल्लभगढ़ क्षेत्र में 4 राशन डिपो पर छापेमारी की गई। इस दौरान अधिक राशन भंडारण कर कालाबाजारी करने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ की भूतन कॉलोनी में चल रहे 4 राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 राशन डिपो पर स्टॉक रिकॉर्ड के अनुसार ठीक पाया गया। वहीं इन डीपीओ पर पाई गई कुछ कमियों का लेकर विभाग द्वारा अलग से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारी के साथ आज बल्लभगढ़ स्थित 4 राशन डिपो को चेक किया गया, जिनमें से 3 डिपो में राशन तो ठीक मिला है पर कुछ अनियमितताएँ और मिली हैं, जिसमें विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। और एक डिपो था जहाँ पर लगभग 10 क्विंटल जो गेहूँ वो एक्स्ट्रा मिले हैं उनके कोटे से, जितना होना चाहिए मुताबिक उसके, तो इस बारे में FIR दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस को लिखा गया है और उसमें FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस 2.5 लाख के इनामी बदमाश की तलाश में जुटी है। बता दें कि बदमाश और उसके साथियों के बीच में पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी के भाई को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है,
जबकि मुख्य आरोपी और उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। बता दें कि बदमाश के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या, फिरौती जैसे संगीन धाराओं में अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है, साथ ही उनका दावा है कि फरार बदमाश जल्द पकड़े जाएंगे। आदित्य राणा शासन द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया है। उसके विरुद्ध 40 से ज्यादा मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है, जिसमें हत्या, अपहरण, 307 तथा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। माननीय न्यायालय बिजनौर ने इसके विरुद्ध नॉन बेलिवल वारंट जारी कर रखे हैं। नॉन बेलिवल वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए बिजनौर पुलिस निरंतर प्रयास करती रहती है। इसी एक प्रयास में आज सुबह लगभग 3:30 बजे सिवरा पुलिस टीम की एक पुलिस एंगेजमेंट हुई है अपराधियों के साथ, जिसमें एक शातिर अपराधी जिसका नाम बिट्टू चंद्रवीर सिंह है, जिसके विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जो कि आदित्य राणा का सगा भाई, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके पास से एक बुलेरो गाड़ी तथा एक अवैध तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। आदित्य राणा और उसके साथियों की सघन तलाश जारी है, उसको शीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।